الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد دعا ہے تساں تمام مومنین دا ٹورایا مومنات ماواں بہناں بیٹیاں دا ٹورایا میرے بابا جی دی پرخلوص محنت صفے ماتم وچھائی اساں زاکرین دی پڑھائی مرشدادی قبول و منظور فرما ذکر دا صدقہ مالک جو مومنین و مومنات بیمارن مولا شفا کلی عطا فرما مولا جو بے اولاد اولاد نرینہ تافر میرے مولا اس نازک دور چ ہر مومن دی عزت نو محفوظ فرما ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے بلند صلوات یہ علم پاک رسالت کا ثمر لگتا ہے یہ علم پاک رسالت کا ثمر لگتا ہے آل عمران کے گلشن کا شجر لگتا ہے اس کی دہلیز پہ قربان ہو عالم سارا با وضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے سرکار وفا دے متعلق بہت بڑا نام بلال کاظمی انڈیا بلال کاظمی صاحب دا ایک جملہ ہے میرا خیال کہ آج دی جڑی خیرات ہے اس جملے دے وچ پڑھیا ہوا بلال کاظمی صاحب دا ہے بلال کاظمی انہاں دا جملہ ہے کہ مجمع تے سوال کیتا ہے کہ ہر چہرے تے کتنی اکھاں ہوندیاں چپ کر گئے ہو چار ہوندیاں دو اچھا جی لشکر 9 لاکھ دا ہوئے تے اکھاں کتنی ہو گئیاں 18 لاکھ جیڑا 18 لاکھ اکھ دی نیند کھو لوے اس نو عباس آ دینا مولا جان نے ممبر تے کھڑا ہے بالکل حقائق بیان کریں کہ میں داد دینا دعا گو بھی ہیں تواڈے حق کے جی کل صبح دا اس ٹائم اس تو بھی پہلے دا نوکری شروع ہے مجلس شروع ہے سارا دن ساری رات ہونا ٹائم اجے بھی شام تک چل سو چل ہے مولا دے عظیم مدہ خان چلو بس یہ حاضریاں نے جناب ملکہ تول عرب پاک مخدومہ بی بی جناب خدیجہ تول کبرہ انہاں دی شان وچ میں ایک منقبت ماسٹر منظور حسین عاجز صاحب دی لکھی ہوئی اندے تو میں شروع کر رہے ہیں بڑے عظیم ذاکر مولا درجات بلند کریں انہاں دا لکھیا ہوا ایک قصیدہ یہ با مراد بنی
और बा उसूल बनी, ये सबसे पहली थी जो जौजाए रसूल बनी। मैं इसकी अजमत व इफ़त रकम करूं कैसे, ये कितनी पाक थी जो मादर बतूल बनी। जुरिया शाह जी मौला दे अजीम मदा खान उन्हां दा लिखा है, मास्टर साहब का किसी उन्हां लिखा है, आओ ढूंढे जरा सबसे पहली भलाया, आओ ढूंढे जरा सबसे पहली भला जौजाए रहमतें दो जहां कौन है। दीन रखना किसी का अलग बात है, दीन इस्लाम की मेहरबान कौन है। बिस्मिल्लाह, सलामत रहो, वसदे रहो। बीबी दा खानदान, बीबी दे रिश्तेदार, जिसका शौहर रसूलों का सरदार है, जिसका दामाद कौसर का मुख्तार है, जो सखावत में इतनी बुलंद हो गई, हर मुसलमान जिसका नमक खार है, हर मुसलमान जिसका नमक खार है, जिसने दौलत से साया किया दीन पर, आओ ढूंढे के वो साहिबान कौन है। सलामत रहो वस्त्र, ऐ ओ शेर जंदे वास्ते इस कसीदे का सहारा लिया। एक बहस बहुत देर तो कोई याद है, जनाबे खत्मी मरतबत दियां नौ बीवियां, कोई याद है ग्यारह, कोई याद है तेरह, पूरे पाकिस्तान का मजमा दूर दूर तो आजादार। हुण मेरा एक सवाल है, ये मैनू जवाब दियो, जैंदे तेरह सौरे हुण वो गरीब हुंदा है, उसके घर में ना सोना था ना चांदी था। सलामत रहो, बहस कोई याद है नौ, कोई याद है ग्यारह, कोई याद है तेरह, इस गल नाल गर्ज नहीं। नौ कहो या के ग्यारह कहो, कुछ कहो तुम घटाते रहो या बढ़ाते रहो, तुम जो चाहो किसी को समझते रहो, तुम जो चाहो किसी को बनाते रहो, तुम जो चाहो किसी को बनाते रहो, एक जगह पर सभी को इकट्ठा करो, फिर बताओ के जहरा की माँ कौन है। इमाम हुसैन बादशाह नौकरियां कबूलों मंजूर फरमावन। दो शेर पंजाबी दे बहुत ज़्यादा पसंद किए गए, बहुत ज़्यादा पढ़िया भी है। भाई गुलाम अब्बास वो भी कह रहे हैं कि उनके दो शेर, जनाब फिजा दी
बीबी जनाबे फिजा आ जाओ इतने मेरे को ही आ जाओ। बीबी फिजा कबर चैन नकी रहन आ गए साढ़े लाहौर दे जाकिर मुजाहिद अब्बास उन्हें लिखे कसीदा मुसल्ले ते मैं नहीं लिखे जेड़े लिख दें मौला 500 दफा तौफीक दे असां दुआगो हां झूठ नहीं मारिया खास करके कभी मिंबर ते खास करके क्योंकि मिंबर ते जितनी दफा भी मैं कूड़ मारिया पकड़िया गया पकड़न तो मुराद किसी ना किसी मुसीबत मैं छड़ दिता है इन्दे ते दाद बन दी छोड़ चंगा काम क्योंकि हजरत इमाम हुसैन बादशाह की कबर की छबी है ते फिर हौसले वाली गल है ना जड़ा मौला की कबर ते खलो के कूड़ मारे डरदे हैं डरदे हैं। इमाम हुसैन बादशाह तुहानू सलामत रखन जिक्र नसीब होवे बीबी कबर च आए एक शेर विच आप ही आख्या बाबा जी दो शेर जाकिर मुजाहिद अब्बास साढ़े लाहौर दे नकी रहन आ गए नकी रहन आ गए सवाल करने शुरू किए बीबी मुस्कुरा रहे जवाब नहीं दे रहे बल्कि मुस्कुरा रहे जवाब भी नहीं देंदे इंज एक पासे दीद लगी हुई है इंज हैरान हो क्या दिन बीबी तेरे वास्ते आए हैं ये साढ़े सवालों का जवाब नहीं देंदे इस पासे वेदे पे हो इस पासों किसे आवना है जेड़ा जनाबे फिजा जवाब देता है बीबी फरमेलन मेरी इमदाद कीते मेरी इमदाद कीते सरदारों दे वेखी मेरी इमदाद कीते मेरी इमदाद कीते सरदारों दे वेखी जिम्मा जहरा ने चाया है जिम्मेवारियों दे वेखी मेरी इमदाद कीते भाईजान नवीदा शगू बाबा जी गुलाम बाल भाई अजला शेर में आप आखे पहले हो वो काफी अच्छा मिल गया सरदार आंदे वेखी जिम्मेवार आंदे वेखी जरा काफिया मिलिया है बीबी फरमेनन मेरी झोली विच जिन्ना देने दिन रात बीते मेरी झोली विच जिन्ना देने दिन रात बीते इना सारिया सवाला दे जवाब देन कीते आज मोहरे नबी दे असवारियां दे वेखी आबाद रहो वसते रहो जिक्र नसीब हो बीबी फरमेलन लो हूँ जाकिर साहब दे लिखे दो शेर कमाल बीबी फरमेलन हूने करबल चो आसन सोने आलिया दे वीरे हूने करबल चो आसन सोने आलिया दे वीरे
लैके अम्मा नू भी आसी मेरा हसन अमीरे मेरे गाजी जाए सोने वफादारियों दे वेखी बिस्मिल्लाह। पूरे मुल्क च एक कसीदा तलावत कर चुके जिथे जिथे भी ए शेर पढ़िया खसूसन पहलियां दो लाइना मिन्नत अला जाकिर हाँ लड़न वाला नहीं खुदा ना खास ताला ना करे अगर इन्हें दो लाइना च कुछ चुप कर गया ना जड़िया पढ़न लगा तो कोल तो मैं जरूर आना वो लड़न वास्ते नहीं सिर्फ दाद देन वास्ते हकमा हालांकि ऐसा होना नहीं तुसा वेखना बनता के लैना सुनना वेख्या दिन बीबी बोलते ही नहीं किस गल का माण बोलते ही नहीं तेरे वास्ते आया बोलते ही नहीं बोलते नहीं जनाबे फिजा फरमेंदन मैं आ जहरा दी नौकर मैं ना बोला मेरी मर्जी न्याजे मौला ये लाइन दोहरा देना अगली लाइन भी सुननी बड़ी कमाल बीबी फरमाने बीबी बोलते ही नहीं बीबी बोलते ही नहीं बोलते ही नहीं किस गल का मान है अगली लाइन भी सुननी बीबी फरमाने मैं आ जहरा दी नौकर मैं ना बोला मेरी मर्जी मैं जहरा दी नौकर मैं ना बोला मेरी मर्जी तुहाडा सरदार मेरे सरदारां दा है दर्जी हुणे जनता दे वाली वारो वारियों दे वेखी मेरी मुदाद कीते इमाम हुसैन बादशाह नौकरियां कबूलो मंजूर फरमा दे ओ हे अल्लामा ओ हे अल्लामा मौला दे मदा खान बैठे ने मेरे आके च दुआ कर एक सब्जेक्ट ऐसा है जो जाकिर की पहले इस्तेमाल नहीं सी होया ते इस एंगल दे नाल भी थोड़ा जो कोशिश की थी ओ हे अल्लामा वार ओ हे ओ हे अल्लामा वाला ओ हे अलमावा जेड़े खाली सिर ला रहे हो इंज आखन नाल नाड़ ते नाड़ चढ़ जांदी ओ हे अल्लामा वा
सैयदां दा जो सरमाया ओहे अल मावार आला क्यों ना बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ मौला परदेस सलाम बिस्मिल्लाह करा चलो ए शेर बड़ा घट पड़े ए भी जनाब नूं सुना दिना ओहे अलमा वाला रदीफ है ओहे अलमा वाला ए सवाल है छोटा जिहा कि एक घर च सारे एमए होण एमए पास उस घर च मैट्रिक दी कितनी कु वैल्यू है कुछ भी ना लो सवाल हल हो गया एक घर च सारे ही सोने होण इन्हां सोने च सरकारे वफा दा क्या मकाम हाशमीले सोने तो सोने घर विच चल लैला दे हो दे जिसने चन छड़वाया ओहे अल मावाला या मौला तो सलामत रहो वसदे रहो आला क्यों ना होवन रुतबे आला क्यों ना होवन रुतबे जिसनु अपनी उंगली लप सिखाया ओहे अल मावाला